हैप्पी मकर संक्रांति माय यूट्यूब फैमिली, आप सभी को मकर संक्रांति की हार्दिक शुभकामनाएं। मैं उषा यादव। सो गाइस, आज मैं बनाने जा रही हूँ तिल के लड्डू। तो यहाँ हमने तिल को रोस्ट कर लिया है, विदाउट ऑयल ये रोस्ट होंगे। और गाइस ये देखिए, ये मैंने मूंगफली के दानों को भून लिया, भून के इसके छिकल निकाल दिए हैं। और ये देखिए कितना अच्छा भून के मैंने इसे रख लिया है। और गाइस यहाँ पर हमने ये अदरक ग्रेट कर ली है, क्योंकि इसमें अदरक भी लगेगी। तो गाइस हम इसे कैसे बनाएंगे, आज मैं आपको इसका पूरा प्रोसेस दिखाऊंगी कि तिल के लड्डू कैसे बनाए जाते हैं। तो आप लोग चैनल में बने रहिए, मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। वीडियो में रहें, वीडियो स्किप ना करें। देखिए कैसे बनते हैं हमारे तिल के लड्डू। गाइस देखिए, हमने यहाँ एक कढ़ाई रख दी है। कढ़ाई में हमें बिल्कुल ज़रा सा वाटर डालना है। ये इतना सा हमने यहाँ डाल दिया वाटर, हमने यहाँ वाटर डाल दिया है। अब इसमें हम डालेंगे रिफाइंड ऑयल, ताकि ये बनने में काफ़ी अच्छा होगा, इससे स्मूथ बनेंगे। आप यहाँ पे घी का यूज़ कर सकते हैं, रिफाइंड ऑयल का यूज़ कर सकते हैं। तो गाइस मैं तो रिफाइंड ऑयल का यूज करूँगी। गाइस यहाँ पे डालेंगे हम अब गुड़। इस तो हमने यहाँ गुड़ डाल दिया है, और गुड़ को हम अच्छे से मेल्ट करेंगे। जब ये मेल्ट हो जाएगा तब हम आगे के प्रोसेस में दिखाएंगे कि हम क्या करेंगे। तो इसको हम मेल्ट कर लेंगे, लो फ्लेम में हमें इसे मेल्ट करना है। गाइस तो देखिए, यहाँ हमारा गुड़ मेल्ट हो रहा है, इसमें हम ऐड करेंगे अदरक, इससे बहुत ही अच्छा स्वाद आता है। देखिए यहाँ पे ये बबल्स आने लगे, और कैसे हमारा ये तैयार होगा मैं आपको पूरा प्रोसेस दिखाऊंगी। गाइस तो देखिए, हमें इसे अभी चलाते रहना है, कैसे होगा मैं आपको दिखाऊंगी। तो अभी इसे हम चला ही रहे हैं जब तक ये गाढ़ा ना हो जाए थोड़ा। गाइस तो यहाँ हमने ले लिया वाटर। गाइस हम चेक करेंगे कि ये हमारा हुआ है कि नहीं। देखिए यहाँ गुड़ डाल दिया, और देखिए ये अभी हुआ नहीं है क्योंकि ये फैल रहा है। अगर जो हो जाता है तो ये गोल हो जाता है। तो ये गुड़ वाला पानी है, और फिर हम इसमें फिर से लेंगे गुड़, और यहाँ डालेंगे इसके बबल्स, और चेक करेंगे कि ये हुआ है कि नहीं। गाइस तो ये देखिए, फिर ये अभी फैल ही रहा है, ये गोल हो जाता है तो समझिए हो गया है। अगेन हम चेक करेंगे, और ये हमने डाल दिया यहाँ पे, हम देखेंगे। तो गाइस इसको हम पकड़ेंगे, तो गाइस ये रेडी हो चुका है। अब हम यहाँ पे इसको हटा देते हैं। गाइस तो हम यहाँ पे ऐड करेंगे ये तिल, सभी तिल को डाल के गाइस, और हम इसे चलाना चालू कर देंगे। यहाँ तिल में हम ऐड करेंगे गुड़ के ये मूंगफली के दाने, और इन्हें हम डाल के चला लेंगे अच्छे से। हाथ पे इसे बना लिया है गोल गोल करके। गाइस तो देखिए, हमारे ये तिल के लड्डू बनकर तैयार हो चुके हैं। अगर आप लोग को इसकी रेसिपी पसंद आए तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू। हैप्पी मकर संक्रांति माय यूट्यूब फैमिली। लव यू ऑल।